गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दक्षिता शर्मा है। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव सक्सेस। वेस्टीज को स्टार्ट करने के इस डिसीजन के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। कहते हैं कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया गया एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और वेस्टीज की ये जर्नी शुरू करना आपका वही एक डिसीजन है। ये वीडियो दो टाइप के लोगों की हेल्प करेगी। पहला, जो इस बिजनेस में बिगिनर्स हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए। और दूसरा, उनको जो इस बिजनेस को कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों को भी ये वीडियो हेल्प करेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेस्टीज बिजनेस की सही शुरुआत कैसे करनी है और इसमें सफल कैसे होना है। उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि मैं वेस्टीज रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 7 सिंपल स्टेप्स बताने वाली हूँ जो कि वेस्टीज सिस्टम का पार्ट है। यदि आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप वेस्टीज बिजनेस में 100% सक्सेसफुल होंगे। आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इन 7 स्टेप्स और सिस्टम को फॉलो करना है। क्योंकि इस सिस्टम को उन लोगों ने बनाया है जो लोग इस बिजनेस को 10-15 सालों से कर रहे हैं। जो गलतियां उन लोगों ने की, वो गलतियां हमसे ना हो और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हासिल कर सके, इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये 7 स्टेप्स क्या हैं। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इन वेस्टीज इज टू बी 100% प्रोडक्ट यूजर। हर रोज अपने डेली रूटीन में आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहने का बिजनेस नहीं है, ये करने का बिजनेस है। अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे तो लोगों को क्या बताओगे? हर रोज जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिओड्रेंट्स एक्सेट्रा, वो वेस्टीज के होने चाहिए, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स टॉप क्वालिटी के हैं। जब आप इन्हें यूज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जिसे भी मैं ये प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूँ उसे ये प्रोडक्ट्स ज़रूर पसंद आएंगे। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा। सेकेंड स्टेप है, टॉक विद पीपल अबाउट द प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात कीजिए, फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स, इन सभी लोगों के साथ इन प्रोडक्ट्स को शेयर कीजिए। कितना आसान है ना, यही तो हम बचपन से कर रहे हैं। जब भी हम कोई नया सामान खरीदते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कपड़े, जूते, तो लोगों को उनके बारे में बताते हैं, लोगों को दिखाते और रेकमेंड करते हैं। तो सेम आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के साथ भी करना है। थर्ड स्टेप है, मेक अ लिस्ट। जब आप इस बिजनेस को करने की शुरुआत करते हो, तब आपको लिस्ट बनानी है कम से कम 100 से 200 लोगों की, और उसके बाद नए लोगों को इस लिस्ट में ऐड करते जाना है। तो लिस्ट कैसे बनानी है और शुरुआत में आप किन लोगों को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। वो है फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस, जो लोग आपके साथ स्कूल और कॉलेज में थे, उन लोगों को आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉयज, जो लोग जॉब करते हैं, वो अपने कॉलीग्स को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेबर्स यानी कि पड़ोसियों को ऐड कर सकते हैं। ड्रीमर्स यानी कि ऐसे लोग जिनके सपने बहुत बड़े हैं, आप ऐसे लोगों को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और आखिरी है स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो आप अपने आसपास बैठे यात्रियों के साथ भी वेस्टीज को शेयर कर सकते हैं। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो उसके बाद आपको उन लोगों को प्री जज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, सोनम, उसे तो इसकी जरूरत ही नहीं है। रीमा, ये तो करेगी ही नहीं। समीर, वो तो सुनेगा ही नहीं। अंजलि, हाँ इसे बताती हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को प्री जज मत करिए, क्योंकि आप अंतर्यामी नहीं हैं। लिस्ट बनाने के बाद फोर्थ स्टेप है, इनविटेशन। तो थर्ड स्टेप में जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई थी, अब उन्हें आपको इनवाइट करना है मीटिंग्स के लिए। अब इनविटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है, उन लोगों को तो आप पर्सनली जानते हो। तो यदि कोई व्यक्ति बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, तो आप उन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के इन्वाइट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉब करते हैं, तो आप उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी कह के इन्वाइट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, तो उन्हें आप एक पार्ट टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी कह के इन्वाइट कर सकते हैं। यदि कोई हाउसवाइफ है, तो आप उन्हें कंज्यूमर एम्पावरमेंट
या फिर विमेन एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी कह के इनवाइट कर सकते हैं। यदि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप उन्हें एक ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी कह के इन्वाइट कर सकते हैं। इन्विटेशन पर्सन टू पर्सन अलग होता है, तो इसी तरह अलग अलग टाइप के इन्विटेशंस आप यूज कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है मीटिंग। तो मीटिंग तीन तरह की होती है। पहली होती है वन टू वन मीटिंग। जब आप किसी को इन्विटेशन देते हो वेस्टीज बिजनेस के बारे में, तो प्लान दिखाने के लिए आप उनसे मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग के लिए या आप उनके घर जाएंगे, या उनको अपने घर पे बुलाओगे, या फिर बाहर किसी जगह पे एक मीटिंग फिक्स करके उन्हें आप वेस्टीज के बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे कहते हैं वन टू वन मीटिंग। आप जितने ज्यादा वन टू वन मीटिंग करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा और उतना ही कम्युनिकेशन स्किल आपका इम्प्रूव होगा। तो डेली आपको कम से कम दो पर्सनल मीटिंग्स करनी है। सेकेंड होती है हाउस मीटिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने 8 से 10 दोस्तों को अपने घर में इनवाइट करते हैं और अपलाइन के साथ प्लान शो करते हैं। तो इसे कहते हैं हाउस मीटिंग। आप जितनी ज़्यादा हाउस मीटिंग्स करेंगी, उतनी ही तेज़ी के साथ आपका बिजनेस ग्रो करेगा। थर्ड होता है सेमिनार। ये कंपनी के द्वारा हर महीने ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, अचीवर्स आते हैं। तो जब कंपनी आपके शहर में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें, तो आप जितने ज़्यादा लोगों को ले जा सकते हैं, उतने ज़्यादा लोगों को इस सेमिनार में लेके जाइए। इससे आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिक्स स्टेप है टीम वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। इसे आप सक्सेसफुली तभी कर पाएंगे यदि आपका और आपके टीम का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसके लिए आप अपनी टीम के साथ हमेशा टच में रहिए। शुरुआत में आप अपनी टीम के साथ हर रोज बात कीजिए और उन्हें प्रॉपरली गाइड कीजिए, और हफ्ते 10 दिन में आप अपनी टीम के साथ मीटिंग्स कीजिए। मीटिंग में आप अपने अपलाइन को भी बुलाइए, अपलाइन के साथ क्वेश्चन आंसर कीजिए, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें हैंडल कीजिए, और डाउनलाइंस को मोटिवेट कीजिए। डाउनलाइंस को काम करने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स उन्हें दीजिए, और इसी तरह टीम वर्क कीजिए। क्योंकि जब आप टीम वर्क करते हैं तो हर किसी को दूसरे का फायदा मिलता है। और आखिरी स्टेप है फॉलो अप। फॉलो अप दो तरह के लोगों के साथ होता है। पहला अपनी टीम के साथ, और दूसरा उन लोगों के साथ जिन लोगों ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जान तो लिया है पर वे इसके बारे में श्योर नहीं हैं। जब आप लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो तुरंत इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और वे आपकी टीम बन जाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बाद में सोच के बताऊंगा। तो ऐसे लोगों के साथ आपको फॉलो अप रखना होगा। जैसे अगर उनके कोई डाउट्स है तो आप बाद में उनके डाउट्स क्लियर कीजिए, और उन्हें आप हफ्ते या 10 दिन में कंपनी के बारे में छोटे छोटे अपडेट्स दे सकते हैं, या कंपनी के लीडर्स की कुछ मोटिवेशनल वीडियोस दे सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, या उनके साथ आप प्रोडक्ट रिव्यूज वीडियो शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह आप उन लोगों को भी अपने टच में रखिए। इसे कहते हैं फॉलो अप। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बिजनेस को नहीं करना चाहता लेकिन उन्हें प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, और यूज करने के बाद अगर उन्हें प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें और प्रोडक्ट्स की जानकारी दीजिए और कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के बारे में बताइए। उन्हें कंसिस्टेंसी ऑफर और मंथली ऑफर्स के बारे में बता के आप उन्हें एक अच्छा कंज्यूमर बनाइए। नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक बहुत ही सिंपल फंडा होता है, अपने अपलाइन से सीखिए और अपने डाउनलाइंस को सिखाइए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ड्यूप्लीकेशन का बिजनेस है। जो कुछ भी इस बिजनेस के सक्सेसफुल लीडर्स कर रहे हैं, हमें वही कॉपी पेस्ट करना है। तो दोस्तों, यही 7 स्टेप्स हैं जो वेस्टीज का सिस्टम है। यदि इन 7 स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो आपको वेस्टीज में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो पहला स्टेप है यूज़ द प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा मेक अ लिस्ट। चौथा इनविटेशन। पांचवा मीटिंग्स। छठवा टीम वर्क। और सातवा फॉलो अप। यही वो 7 स्टेप्स हैं जो आपको वेस्टीज के 7 इनकम्स दिलवाएंगे। वेस्टीज के 7 तरह की इनकम्स क्या हैं और किस लेवल पे कौन सा नया इनकम शुरू होता है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप इसे अपने डाउनलाइंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो लोग आपके एरिया में नहीं रहते, आपसे दूर रहते हैं, जिनके साथ आप पर्सनली मीटिंग नहीं कर सकते। उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्हें ये सिखाए कि इस बिज़नेस को कैसे शुरू करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेल्थ।